anak kalah mana ibu korok korok ini hai. Anak korok je. तो भाई साहब अभी फिलहाल मौजूद है, देखो वापसी के रास्ते में एग्जिट नंबर 6 अबू बकर सिद्दीक रोड और नीचे आप देख सकते हैं जहमा। ये मत बोलना भाई तुम क्या डेली डेली ट्रैफिक बता रहे हो, तो यही अपना डेली जिंदगी है भाई, ट्रैफिक में झूमते रहो बस। वो नशेड़ी नशा करके झूमता है ना, उस तरह से हमें ट्रैफिक में झूमते रहते हैं, क्या करेंगे, जाने को घंटे लग जाते हैं, आने को घंटे लग जाते हैं। ये देखो ये इसकी हरकत देखो, ये किस तरह से हरकत कर रहा है, ये आखे काला आंसू देख रहे हो। क्या करे भाई, बंदे को खुश रखना पड़ता है यार, बंदा खुश रहेगा तो अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे बंदों को नाराज नहीं करना चाहिए। लेकिन इनके वालिदैन हमारे साथ जो जुल्म करते हैं वो अल्लाह देखता है। चलो खैर, अल्लाह खैर करे। अभी सोच रहा हूँ नाश्ता क्या करूँ, दाढ़ी वाड़ी बना लूँ। देख रहे हो तीन दिन से मैं सिर्फ दाढ़ी कटिंग के चक्कर में हूँ, लेकिन ना शॉप पे जा रहा हूँ, ना बना रहा हूँ, ना ये हो रहा है। रात में मेरे साथ बड़ा खतरनाक मसला हो गया था भाई, रात में समझो मैं एकदम नींद से ऐसे जागा, पता नहीं क्या हुआ था, वो मेरा दम रुक गया था, दम रुक गया था एकदम। ठीक है 11:30 बज रहे थे, सो गया था मैं जल्दी, तो उठा, उठ के सीधा बाहर भागा, गाड़ी के पास खड़ा हो गया, थोड़ी देर इधर उधर टहला, फिर उसके बाद जो है थोड़ा पानी वानी पिया, थोड़ी देर बैठ गया, उसके बाद फिर सो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्यों ऐसे हुआ मेरे साथ, वल्लाहु आलम। अमल हमाम के एरिया में रुका, इधर एक इंडियन होटल था केरला का, और इधर से पूरी ले लिया हूँ पार्सल, अब्दुल्ला भाई के ऑफिस में बैठ के वहीं पे खा लूँगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना तकरीबन मेरे को लोग पहचान लेते हैं, एक भाई मिले जो कि देखो नून वाले का ऑफिस, एक भाई मिले जो कि रूम पे आए थे ऑलरेडी मेरे, मैं तो उनको पहचान नहीं सका, क्योंकि भाई कितना दिमाग किधर किधर चलता है, मैं कितने लोगों को याद रखूँगा। खैर सॉरी, पहचाना नहीं भाई आपको, वो हुसैन जो है ना मेरा दोस्त हुसैन, उसके साथ में आए थे, बता रहे भाई बोधन से है। और एक भाई मिले जो कि आतिफ नाम है भाई, इलेक्ट्रिशियन है, उनकी शॉप है, इंशाल्लाह उनकी शॉप पर विज़िट करके जो है वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल मैं देखो ये रोड से गुजर रहा हूँ, ये VFS वाला रोड है। पासपोर्ट रिन्यूअल कहाँ करना है भाई, बोल के पूछते हैं ना पासपोर्ट रिन्यूअल, हमको पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना है, इंडियन पासपोर्ट कहाँ होता है रिन्यूअल, बोल के पूछते हैं मेरे को लोग। तो यही रोड है भाई वो, मैं बार बार बता चुका हूँ फिर भी आपको बता रहा हूँ, अगर आपको पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना है ऑनलाइन, अगर आप फॉर्म नहीं भर सकते तो यहाँ पर ऑफिस रहेगा, बहुत सारा ऑफिस है, आप इनको 30-35 रियाल दे दो, वो लोग फॉर्म वगैरह पूरा बना के दे देंगे आपको, वो जो जो डॉक्यूमेंट बोलते हैं वो साथ में लेके आ लेना। ठीक है, ये जो मार्केट देख रहा हूँ ना इसके पीछे ही है VFS, बाकी के जो लोग खड़े हुए हैं ना यहाँ, ये सब वही एजेंट लोग हैं जो कि आपका पासपोर्ट बनाने में, यानी आपका पासपोर्ट का फॉर्म भरने में वो आपकी मदद करेंगे, पैसा चार्ज करेंगे आपसे, देना भी चाहिए भाई क्योंकि हर इंसान अपनी मेहनत में लगा हुआ है। VFS है इधर, एक है पथा में, एक मुमकिन VFS है, और इंडियन एम्बेसी को जाना है तो ये रोड से सीधा जाके राइट जाएंगे ना, अभी जो रोड से जा रहा हूँ मैं, इधर से राइट जाके सीधा सीधा जाना है, ये सीधा रोड आपको सफारात में घुसा देगा ले जाके, सीधा सफारात। ये अभी मैं जा रहा हूँ किंग खालिद रोड में, क्योंकि अब्दुल्ला भाई का ऑफिस यहीं पर है, किंग खालिद फाउंडेशन। अब्दुल्ला भाई क्या काम करता पूछते ना, ये अब्दुल्ला आता उस शीशो को लिया, अब्दुल्ला उस शीशो को लेकर तस्वीर सही मुकाबल मुकाबल
यानी कोई एक बंदे के साथ में रहता है ऑफिस में, बस वो काम करता रहता है और क्या, वो काम करता है ये उसके साथ में रहता है, लगता है इधर है सिग्नल के पास में एक्सीडेंट हुआ है, दिख रहा होगा आपको। अभी ये सामने ही किंग खालिद फाउंडेशन है, वहीं पे अब्दुल्ला भाई को छोड़ूंगा, एक रूम है वहाँ पर जाएंगे बैठेंगे, पूरी वगैरह से नाश्ता कर लेंगे। साहब भाई हेलो, आज रूम पे जाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है आज मेरे को, पता नहीं बोरिंग लग रहा है रूम पे जाना, ट्रैफिक में जाओ वापस आओ। चलो नाश्ता करके कैसे भी दोपहर तक एडजस्ट कर लेना है, दोपहर में जा कर के हो सका तो खाना बनाएंगे, नहीं तो फिर सोचते हैं क्या करना है इंशाल्लाह। ये ज़िंदगी होती है भाई, डेली के जो चैलेंजेस है ना इस तरह के आते रहते हैं, बस पेट्रोल के लिए मसला। देखो आज भी पेट्रोल ख़त्म है, बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म है, लाइट जल गई है, कल पेट्रोल के लिए बड़ा ख़तरनाक मसला हो गया था, पेट्रोल के लिए रोना है भाई यहाँ पे, और कुछ नहीं है। गाड़ी मैं तो बकाला है, होटल के अलावा कहीं जा भी नहीं रहा हूँ, पहले तो भी बहुत घूमता था मैं, हालांकि यार बड़ा गाड़ी था फोर्ड वाला, वो गाड़ी लेके मैं पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता था, उस टाइम पे कोई मसला नहीं था, लेकिन जैसे मैं एक साल गैप किया ना बीच में, उसके बाद से बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट हो गया मेरे लिए। खैर इनकी आदत को चेंज कर दूँगा फिर से, मैं सीधा सीधा उल्टा जवाब दे देता हूँ, ज़्यादा बोलेगा तो सीधा खुरुज नहीं आई। आना कला माना एक बार खुरुज नहीं आई, आना खुरुज नहीं आई, वो भी बोल रहा है वो भी। अंत सऊदी सा सऊदी ने खुरुज नहीं आई, खुरुज नहीं आई इसको, खुरुज नहीं आई चाहिए अब्दुल्ला भाई को। अंत साफ हिंद में आई, यल्ला फद्दल या हबीब, वेलकम इन तबल हिंद, इंशाल्लाह यू आर वेलकम इन सऊदी अरेबिया ब्रदर, माशाल्लाह। सोचा तो सही पर इंडिया आने का, ये बोलता है मैं आज तेरे बच्चों को देखूंगा आके। मेरी लापरवाही का नतीजा देखो, ये देखो ये एसटीसी पे कार्ड है, टूट गया है एसटीसी पे कार्ड, टूट चुका है। रीज़न मैं सही रखता नहीं हूँ, अलराजी का इससे पहले टूटा, अभी एसटीसी का टूट गया, अभी इसके लिए फिर से 30 रियाल, पहले 34 रियाल ये अलराजी कार्ड को लगाया, अभी इसको फिर से 30 रियाल लगाना पड़ेगा। अल्लाह खैर करे। तो भैया रूम में आ चुके हैं, लाइट डालो और एसी ऑन कर लो, आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं भाई, आराम से इधर बैठ के खा सकते हैं, इसीलिए रूम पे जाना कोई उतना कुछ खास नहीं है। सिक्योरिटी का रूम के बाजू में रूम है, ये किचन वगैरह वाशरूम वगैरह, ये सोफ़ा है, बस इधर बैठ के रहो, पीछे रोड है किंग खालिद रोड, इसके बाजू में गेट है, और ये मैं लेके आया हूँ पूरी गरम गरम पूरी, ये देखो पूरी इसके अंदर, और इसमें पता नहीं क्या दिया भाई साहब ने यार, भाई इसने सिर्फ दाल ही दिया है इसके अंदर, सिर्फ दाल है और ये पूरी है। आ जाओ आप लोग भी खाते हैं खाना, करते हैं नाश्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा इसका। बिस्मिल्लाह, ये तो सांभर है, सांभर हाँ अब्दुल्ला भाई, ऐसे शही शाही घाव बोले शही फिकर शही मो 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 गुड कुल शही फिर घाव तुर्की शाही हलीम हाँ सुबह से लेकर के भैया 12 बज के यानी 1 बज रहा है अभी, अभी तक बैठ के था ऑफिस में ही, सुबह 6 बजे निकला था। खैर ये तो रूटीन ड्यूटी है, लेकिन पेट्रोल के लिए जो रोना है ना भाई यार, इसको बोले तो इन्हें बोलता, उसको क्यों नहीं बोला, उसको बोले तो उन्हें बोलता, इसको क्यों नहीं बोला, पेट्रोल के लिए सदमा है भाई यहाँ पे, सदमा वल्लाही, दिमाग मेरा 2 दिन से ख़राब हो रहा है। अल्लाह अकबर, अभी फ़ोन करके झड़प दिया तो मैं 50 रियाल भेजा तो अभी पेट्रोल डाल रहा हूँ, क्या बोले।
ड्यूटी तो करना है, ले जाके छोड़ना भी है, सब कुछ बराबर होना, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल डालने को रोना है। अल्लाह रहम करे। चलिए चलते हैं अभी। زحمة الله مصيبة مصيبة ايش في زحمة مخ قربان استغفر الله फिर से ट्रैफिक जाम। ये वीडियो में आप लोग ज़्यादा ट्रैफिक जाम ही देख रहे होंगे भाई, सॉरी उसके लिए। क्या करें, जो परेशानी मैं झेल रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो पेट्रोल का, दो दिन से पेट्रोल का टेंशन चल रहा है यार। जब पैसा नहीं होता तो बंदा रखना ही नहीं चाहिए बंदे को। जब एक को पेट्रोल का बिल होता है दूसरे को बोलता है, दूसरे को बोले तो वो बोलता है उसको क्यों नहीं बोला, इसको क्यों नहीं बोला। अरे इसकी तो ड्यूटी तो बराबर करना है, जॉब्स को बराबर जाना है, सामान मंगाना है, सब कुछ करना है, फिर पेट्रोल के लिए रोना। अब आप लोग ये मत बोलना कि भाई वहाँ क्यों कर रहे हो, निकल जाओ चले जाओ। देखो उतना आसान नहीं है मेरे लिए, निकल जाओ चले जाओ। वैसे मैं चाहूँ तो अभी भी जा सकता हूँ, लेकिन नहीं भाई, अभी ऐसे ही मजबूरी में 5-6 महीने गुजारना पड़ेगा इनके साथ में। उसके बाद खुरूज निहाय लगा देंगे इंशाल्लाह, 6 महीने तक कैसे भी करके, यानी रमज़ान तक कैसे भी करके यहाँ तक निकालना है, आने वाले रमज़ान तक इंशाल्लाह। क्या करें, अल्लाह। तो भैया आज कांड हो गया था, कांड ये हो गया, मैं वैसे रूम पे आ गया था। रूम पे आने के बाद में थोड़ा सा आराम किया, फिर खाना वाना खाया, लंच, और उसके बाद ड्यूटी लगा था। थोड़ा बहुत वीडियो तो नहीं बनाया, अभी जा रहा हूँ फिर से मैडम को वापस ले के आने के लिए, ठीक है। और अच्छा मैं दाढ़ी बना लिया हूँ, खुद बनाया हूँ, देखो सही सेट हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, जैसे भी है यार गड़बड़ में बना लिया हूँ। कांड ये हुआ था कि भैया रूम का दरवाज़ा खुला ही था, सुबह 6 बजे से लेके 2:30 बजे तक रूम का दरवाज़ा खुला ही था, बंद नहीं किया था। पता नहीं सुबह मैं नींद में था या मैं जब लगाया तो वो लग गया या कोई खोल दिया, कोई खोलेगा तो नहीं, लेकिन जब वो लगाता हूँ ना तो सही से लगता नहीं है कि एक बार खुल जाता है इसे, हो सकता हवा की वजह से खुल गया होगा, पता नहीं अब क्या है वल्लाह वाला। चलो अभी चलते हैं, मैडम को वापस लेके जाते हैं घर पे, कहीं जाना है बता रहे थे भाई, कहाँ जाना है नहीं पता, देखते हैं कहाँ जाना है। ये है हमारा चौरास्ता, थोड़ा गोरबर वाला है, देखो इसके पीछे भाग के निकलना पड़ेगा मेरे ऐसे, वरना फिर जाने नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सामान तो गायब नहीं हुआ, बस जो जैसा था वैसा ही है। मेन चीज़ पासपोर्ट है, बाकी का सब सामान ले जाओ फ़र्क नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट को कुछ नहीं होना चाहिए बस। वैसे पासपोर्ट भी बन जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, बस किसी ने कुछ किया नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह।
वो बोलते हैं ना हिफाजत करने वाला जब अल्लाह होता है ना तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी नाम रख लो, कोई कितना भी हंस लो। वह तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, ये वो लोगों के लिए जो लोग मेरे पे हंसते हैं, आज भी हंसते हैं भाई। मैं वीडियो बनाता हूँ उसके बारे में, फिर काम के बारे में, मेरी शॉप के बारे में, फिर मैं वापस सऊदी को आया उसके बारे में, बहुत लोग हंसते हैं मेरे पे आज भी। हंसने दो, क्योंकि जब अल्लाह इज्जत देने पे आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, बस काफ़ी है ये। अल्हम्दुलिल्लाह आ गया हूँ ब्यूटी पार्लर के पास में, अभी मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में।